वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टार्ट क्लास एट चैप्टर नंबर थर्ड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 3.3। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव रीड स्क्वायर रूट फाइंडिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक फिनिश हो चुका था। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट Find the least number which must be subtracted from each of the given number to get their perfect square. Also find the square roots of the new number. So obtain. यहाँ पर इस क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि आपको एक नंबर दिया है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप उस नंबर में कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? ओके, जैसे कि 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इनको बनाने के लिए कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? जैसे कि 5 है, 5 हमने लिया, 5 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 5 में यदि हम 1 माइनस कर देते हैं तो 4 होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर, वैसे ही 10 है, 10 में भी यदि हम 1 माइनस करें तो 9 परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर 1989, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम इसे डिवाइड मेथड से सॉल्व करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जो भी रिमाइंडर बचेगा हम उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तो मेरी फर्स्ट स्टेप आपको याद है, 2 के पेयर बनाना है। क्लियर, नाउ नंबर इज 90, कौन सा नंबर लेंगे हम? 4 4 जा 16 5 5 जा 25 4 4 जा 16। ओके, देन माइनस 3 89, ये प्लस 4 4 8। ओके, अब इसमें नंबर प्रूव करना है, तो नंबर सोचिए। तो यहां पर एट प्रूव करता हूं, 2 8 16 छोटा हो जाएगा, 3 रखूंगा, 3 8 जाए 24, 4 रखूंगा, 4 8 जा 28, 5 8 जा 40, मतलब 5 बड़ा हो जाएगा। 4 चेक कर लेते हैं, 4 चेक किया हमने, 4 4 जा 16 का 6 1 8 4 8 जा 32 34 1 33। यस, ये नंबर हम ले सकते हैं। तो वापस से हमने 4 रखा यहाँ पर, ओके, ये कितना आया 336। इधर दोनों को माइनस कर दिया हमने, 8 में से 3 गए 50। यस, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? 53। क्लियर, यानी कि क्वेश्चन में उससे पूछा था कि किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, तो हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? 52। यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है, मैं आपको बोल देता हूँ। इफ वी सब्ट्रैक्टेड 53 इन 1989, वी गॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चेक कर लेते हैं, क्या करा हमने 1989 में से सब्ट्रैक्ट किया 53। ओके, एग्जाम्पल में आपको सॉल्व किया हुआ है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। 9 में से 3 गए 6, 8 में से 5 गए 3 9 1, 1936। ओके, 1936, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप वापस से इसे फिर से लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1936 आया, एक बार आप चेक कर लीजिए 1936। 4 4 4 16 16 19 16 19 36 4 4 8, यहाँ क्या 4, वापस हमने 4 लिया था, देखिए 36, यहाँ पर 336। ठीक, आपको इस क्वेश्चन में दो बार लॉन्ग डिवीजन यूज करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर कितना आया? 1936 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 44। ठीक है, तो दो क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, पहला ये कि आप कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो नंबर आप सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा आप उसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे, तो आपको एक परफेक्ट
आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करिए 1000। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। यहां पर आंसर देखिए 1000 का 1000 पैर बनाया, 10 आया, 3 3 जा 9, माइनस किया 100, फिर इस टाइप से सॉल्व किया 31। यहां पर नंबर क्या बचा? 9। सो द नंबर इज 9 व्हिच इज सबट्रैक्टेड बाय दिस नंबर टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहां पर 31 स्क्वायर परफेक्ट 991 का। तो इस तरीके से आपको बाकी के दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। आपको कुछ नंबर दिए रहेंगे, आपको उसको लॉन्ग डिविजन मेथड से सॉल्व करके स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, और टू डेसिमल प्लेस से निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 789, ये लिया हमने, उसको लॉन्ग डिविजन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, 7 आया, 2 2 जा 4, बिकॉज 3 3 जा 9 हो जाएगा, 7 में से 4 गए 389, 2 2 4, यह नंबर हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, नंबर क्या सेलेक्ट करें? 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 8 4 जा 32। ठीक है, तो हम 8 लेके देखते हैं होता है कितना। 8 8 जा 64, 6 यस। ठीक है, 384 कितना लिया? 8 टाइम 8 लिया है नंबर हमने, कितना आया? 384। ठीक है, क्लियर ना? 5 0 0 8 8 16 4 1 5। ओके, बट हमें टू डेसिमल प्लेस के बाद निकालना है, यानी कि यहां लगेगा पॉइंट और यहां लगेगा जीरो। ठीक, आप चाहो तो यहां पर भी 0 0 बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर बढ़ा नहीं करना, आपको पॉइंट निकालना है, यहां पर 0 0 बड़ा नंबर। ठीक, नाउ आगे सॉल्व कीजिए, क्या हो सकता है? 56 यदि हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 561 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक और नंबर 0 यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। तो इस टाइप से नंबर बढ़ेगा, आप इतना ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया? पॉइंट लगाया, ये जा नहीं रहा था 500, तो हमने एक जीरो लगाया, डबल जीरो लगा। इस तरीके से हो गया 50,000। अब यहाँ पर हमने लिखा जीरो, यहाँ पर आया था इसलिए हमें जीरो लेना पड़ा। ना हम एट टाइम लेंगे, 8 8 64 6 48 44। ओके, यस, इनसे माइनस कर देना। ठीक, यहीं पर आपका आंसर हो गया 789। डेसिमल के 2 पॉइंट है, 28.08, दिस इज योर आंसर। ठीक, इसी तरीके से आपको बढ़ाते जाना है, पॉइंट बढ़ाना है, 2 0 बढ़ाना है, 0 हमेशा 2 ही बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा। आपको ये समझ में नहीं आया हो तो एक बार हमसे भी ट्राई कर लेते हैं। 47 ओके, 0.00 जो भी आप लोगे, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 23 है, कितना टाइम? 4 टाइम, 4 4 जब 16, 5 5 जब 25 हो जाएगा, 7 47, 8 टाइम ओके, 8 टाइम क्या गया, 8 8 64 का 4 6 8 72, माइनस करने पे आया 7 में से 4 गए, 3 4 में से 2 गए, 2
जीरो, एट एक्स सिक्सटीन, 96, ओके यहाँ सॉल्व हो गया आपका। नाउ यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा और यहाँ 20 बढ़ जाएगा, ओके इस टाइप से आपको करना है। नाउ हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 2 9 9 2 18, ठीक है यहाँ 18 आ जाएगा, 9 3 87 बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ 2 टाइम देखते हैं कितना 962, 2 2 4, 2 6 12, 2 9 18 और 1 9 2 4, ओके 1 9 2 4, कितने टाइम लिए आपका 2 टाइम, 2 2 4 6 9 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 12 में से 9 गए 3 3 76, ओके यहाँ कितनी बार किया था हमने 2 टाइम। नाउ एक और डिजिट हम यहाँ पर 0 ले सकते हैं, आगे आपको एक नंबर यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, ओके वही आपका फिर आंसर में आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ पर थोड़ा सा टफ है, ठीक है क्योंकि पॉइंट है क्वेश्चन है, तो आपको कितने जीरो लगाना है कंफ्यूजन होगा, एक बार आप देख लीजिए। ये लास्ट एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, यानी कि एक दो वीडियोस और आने वाली है, एक दो वीडियोस आने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3 की, आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है एक बार और अच्छे से इसे देख लीजिए, कुछ क्वेश्चनों को अपने मन से लीजिए और रिपीट करिए। थैंक यू।